अभी ये दूसरी मुर्गी भी बैठ गई है, तो अभी संडे को यहाँ छुपा देते हैं ताकि कोई कबाब वगैरह ना ले जाए, क्योंकि मुर्गियाँ जो है तोड़ देती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं मुर्गियों को निकालने लगा था, तो मैंने सोचा आज देखते हैं कि कौन सी मुर्गी अंडा दे रही है और कौन सी नहीं दे रही। तो हर रोज़ यही झगड़ा हो जाता है कि कोई कहता है कि मेरी मुर्गी ने अंडा दिया और कोई कहता है मेरी ने दिया। तो आज मैं पूरी नज़र रखूँगा कि कौन सी मुर्गी अंडा दे रही है और कौन सी नहीं। तो चले चलते हैं, आप इनको खोलते हैं। इनको बाहर नहीं निकालना क्योंकि ये सबको झगड़ा करते हैं, तंग करते हैं, इसलिए इनको जब वो घूम लेंगे तो इनको बाहर भी निकाल लेंगे। धूप लगी है, कभी बादल बन जाते हैं और कभी धूप लग जाती है, तो ये इनका दाना वगैरह जो है ये भी इनको डाल देते हैं, यहाँ एक साइड पे डाल देते हैं। यहाँ इसलिए इनको डाला है क्योंकि ये सारा लेंटर ख़राब करते हैं, तो अभी बड़ी मुश्किल से ये सारा साफ़ किया है। तो लेंटर काफ़ी ज़्यादा दूर से वहाँ से लेके यहाँ तक साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, तो कोशिश करेंगे कि ये उधर कम जाए और इस साइड पे ही रहे। तो ये मुर्गियों के अंडे देने के लिए ये इसको मैंने खोल दिया है, अभी इसके अंदर कपड़ा रख देते हैं, एक नीचे रख दिया एक ऊपर रख दिया, तो आज पता चलेगा कौन सी मुर्गी अंडा दे रही है और कौन सी मुर्गी अंडा नहीं दे रही। दरअसल ये घर में हमारे सामने किसी ने एक मुर्गी रखी है, किसी ने दो मुर्गियाँ रखी हुई है, तो जब वो अंडे होते हैं, अभी कल 3 अंडे हुए थे, तो कोई कह रहा था ये मेरी ही मुर्गी क्या, कोई कह रहा था मेरी मुर्गी क्या, तो इसलिए मैंने सोचा आज देखते हैं, आज नज़र रखते हैं कि कौन सी मुर्गी अंडा देती है और कौन सी नहीं देती। ये हमारा चीनू है, इसको अंदर ही डाल देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है, तो इसको कुछ थोड़े से ना चावल अंदर ही डाल देते हैं, अभी इस प्लेट में लेके आते हैं। इतने काफ़ी हैं उसके लिए, इसकी एज 5 साल हो गई है और ये काफ़ी पुराना हमारे पास 5 साल से रह रहा है, तो ये मुर्गियाँ भी इसके साथ ही हैं। ये बड़ा ख़तरनाक मुर्गा है, इसकी देखें खारे जो है इसकी कितनी कितनी बड़ी है, 5 साल एज हो गई है इसकी, और इसका नाम हमने चीनू रखा हुआ है। तो पिजर्स को देखते हैं, पिजर्स के लिए जो दाना डाला था वो तकरीबन ख़त्म हो गया है, ये भी अब बहुत खुश है, इनको बॉक्स वगैरह बना के अंदर रख दिए। बाजरा जो है छुपा के रखा हुआ है क्योंकि मुर्गियाँ जो है ना वो हमला कर देती है, जहाँ पे भी रखो वहीं पे चली जाती है। ये जगह भी इनकी जो है तंग है, अभी इसको खाना खाने के लिए जगह कम मिल पाती है इनको। ये बॉक्स सही है, इस बॉक्स को थोड़ा आगे कर देते हैं, चलें अब ये थोड़ी सी जगह बढ़ गई है, ये खाना कुछ इस तरफ आ जाएंगे और कुछ उस तरफ हो जाएंगे। ये हमारा राजू जो है ना ये बड़ी गुंडागर्दी करता है, सब मुर्गियों को मारता है, मुर्गों को ये फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा मुर्गा है हमारा, इसका नाम हमने राजू रखा हुआ है। अभी थोड़ा सा इनको बाजरा वगैरह डाल देते हैं, तो बाजरा भी खाते हैं कुछ इनमें से शौक से। अभी लगता है कि कोई मुर्गी अंडा देने बैठ गई है, तो वो देख रहे हैं आप, ब्लैक कलर की मुर्गी बैठी हुई है अंडा देने। अभी मुर्गियों ने शोर डाला हुआ है, लगता है कि मुर्गी ने अंडा दे दिया है, तो अभी चेक करते हैं। हाँ दे रही है अंडा,
वो पड़ा हुआ है। तो ये दिया अंडा, तो अभी आज एक मुर्गी का को तो कन्फर्म हो गया कि ये ब्लैक मुर्गी ने दिया है, तो इसकी निशानी रहेगी अब कि ये इस कलर का जो अंडा है वो ब्लैक मुर्गी ने दिया है। तो अभी देखते हैं बाकी मुर्गी भी कोई अंदर जाएगी, तो नज़र रखेंगे आज पूरी। तो अभी दूसरी मुर्गी भी अंदर चली गई है, तो इसकी भी निशानी रख लेते हैं कि ये कौन सी वाली है। ये फिर बाहर आ गई है, अभी ये दूसरी मुर्गी भी बैठ गई है, यहाँ से चली गई है, अभी देखते हैं। हाँ, ये अंडा दिया इसने, तो ये दूसरा अंडा हो गया फाइनली। तो इसको भी यहाँ रेत में छुपा देते हैं, जैसे कि पहले एक अंडा छुपाया हुआ ये, तो इसके साथ ही दूसरा अंडा भी छुपा देते हैं। अब तीसरे अंडे का इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली मुर्गियों ने आज तीन तीन अंडे दिए हैं, और ये भी पता चल गया कि किसकी मुर्गी ने कौन सा अंडा दिया है। और अब ये झगड़ा नहीं होगा कि भाई ये मेरी मुर्गी का अंडा है, ये मेरी मुर्गी का अंडा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तो अभी हमारी मुर्गियाँ देखे सब की सब मेरे पास आ गई हैं, और देख रही है कि ये अंडे हमारे हैं और ये मेरे हाथ में हैं।